सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यानी कि यदि आपके इंस्टाग्राम की आईडी पुरानी से पुरानी कितने भी साल पुरानी आईडी है तो आप दोस्तों उसको वापस रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों आपको कैसे करना है, चाहे आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, चाहे आपके पास पासवर्ड नहीं है, चाहे कुछ भी फेसबुक से भी कनेक्ट नहीं है, फिर भी आप कैसे आईडी को ला सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो के लिए आपके लिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लेना, चैनल पर चैनल स्क्रीन पर। सो दोस्तों आज को मॉल की स्क्रीन पर, उसके बाद दोस्तों आपको इंस्टाग्राम ऐप ओपन कर लेना है। जैसे आप इंस्टाग्राम ऐप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ना ही आपको मोबाइल नंबर याद है और ना ही आपको ईमेल याद है और ना ही आपको पासवर्ड याद है, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन से जुड़ी जानकारी भूल गए हैं, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक यूजर नेम डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर नेम डालना है, कोई भी आपके पास जैसी भी आईडी उसका यूजर नेम डाल देना है। जैसे आप यूजर नेम डालोगे तब मैं यूजर नेम, तो दोस्तों यानी कि मैंने यूजर नेम डाल दिया, ये मेरी आईडी नहीं है, दूसरे की है, ठीक है। तो आपको उस पर जैसे आप यूजर नेम डालोगे तो आपको आगे बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप आगे बटन इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का आएगा, जैसे कि आपके पास SMS का भी नहीं आ रहा है और फेसबुक के कनेक्ट का भी नहीं आ रहा और ईमेल का भी नहीं आ रहा, तो आपको ये ऑप्शन तो ज़रूर आएगा, अपना पासवर्ड रीसेट नहीं कर पा रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन आपको कब मिलेंगे, जब दोस्तों यानी कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट या वीडियो आपकी होनी ज़रूरी है, ठीक है। तब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है, यानी कि लिखा हुआ है हाँ मेरे अकाउंट कंफर्म करने के लिए मेरी सेल्फी वीडियो ले, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़ना है, जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको यदि पिछला पासवर्ड याद है तो आपको पिछला पासवर्ड डालकर और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ोगे तो आपको सेल्फी वाला आएगा और आपका जैसे आप अपना मुंह आगे करोगे तो आपका स्कैन करके नया पासवर्ड डाले और फिर से नया पासवर्ड डाले, वो नया पासवर्ड डालने के बाद आप अपनी आईडी को कंफर्म कर सकते हैं, यानी कि वापस रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पता आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।